Uh, this poem is uh, written by Rabindranath Tagoreji, and we are going to learn this poem in English with Hindi translation. So, before starting our lecture, I would like to share some information about our channel with you. English Master Channel. This is the platform for the learning uh, purpose, and in this channel, we are providing first to twelfth class English textbook lesson series with caution answers. English grammar lectures also are there.

उन्होंने ये कविता लिखी है इन दिस पोयम बिसाइड्स पॉलिटिकल फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश टैगोर आल्सो अपील टू गॉड फॉर सोशल एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम फॉर द पीपल ऑफ इंडिया यानी कि ये पोयम में से हमें ये पढ़ने को मिलने वाला है कि टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने परमेश्वर ईश्वर से ये प्रार्थना की है कि सोशल सामाजिक एजुकेशनल शैक्षणिक एंड इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता हमारे भारतवासियों को मिले सो लेट्स लर्न

फोर लाइन विच आर डिस्क्राइबिंग की रविन्द्रनाथ टागोर जी ने इससे हमें ये बताने की कोशिश की है कि जब हम पारतंत्र में जी रहे थे हम गुलामी में जी रहे थे तब उनके ये जो पॉइंट ऑफ व्यूज है उन्होंने एक्सप्लेन किए है सो वेर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ जहाँ सत्य की गहराई से शब्द निकलते हैं

अपने में uh, 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 बताया है हमें. पे देखिए इसको यू बोलते हैं अभी इसको you बोलते हैं बट इन द प्रीवियस टाइम पीरियड पुराने जमाने में दी का इस्तेमाल एज अ प्रोनाउन किया जाता था इट मीन यू वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय यू यहाँ की इसका मतलब है जहां आपका मन आगे आता है इंटू ए वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन जहां सोच विचार और कार्रवाई में व्यापकता हो हेवन ऑफ फ्रीडम इंटू फादर लेट माई कंट्री अवेक द हेवन ऑफ फ्रीडम हेवन यानी स्वर्ग स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में माई फादर मेरे पिता लेट माई कंट्री अवेक मेरे देश को जगा दो रविंद्रनाथ टागोर जी प्रेइंग टू द गॉड दैट कि हमारे इंडिया को जल्दी से जल्दी स्वतंत्रता मिले सो फ्रेंड्स आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का ये पोयम समझ में आया होगा टू uh, uh, अंधेरे से निकलने के लिए और स, प्रकाश की ओर उजाले की ओर जाने के लिए ये पोयम हमें मोटिवेट करती है लेट्स लर्न द पोयम अगेन स्टांजा पढ़ेंगे हम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड इज हेल्ड हाई वेयर नॉलेज इज फ्री Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is laid forward by thee into a o, widening thought and action into that haven of freedom my father laid my country awake so this is the very good and heart-touching poem which has been described by rabindranath tagore I hope आपको आपको समझ में आई so, अगर आपको ये lecture पसंद आया है तो चैनल को like, share, subscribe करना मत भूलिएगा। कीजिए। जैसे जैसे कि अपलोड होता है आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दिस इज द लॉकटा लॉकडाउन टाइम पीरियड इन दिस टाइम पीरियड इंग्लिश मास्टर इज ट्राइंग टू सॉल्व स्टूडेंट्स आपकी पढ़ाई सफर नो। इसके लिए हमारे चैनल ने एक प्रयास कर रहे हैं कि जो भी आपका अभी अपडेटेड सिलेबस है उससे रिलेटेड सारे लेसन टॉपिक्स सारी यूनिट्स हम कवर अप करें जब तक कि लॉकडाउन पीरियड खत्म नहीं होता आपकी पढ़ाई सफर ना हो टेंथ इज द बोर्ड एग्जामिनेशन ईयर परीक्षा के दृष्टिकोण से अभी से आप तैयारी कीजिए सो इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव यूर एजुकेशनल नॉलेज अबाउट टेंथ बोर्ड एग्जामिनेशन ऑल्सो सो फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ योर फैमिली फ्रेंड्स स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी Bye-bye.